दोस्तों हमारे रसमलाई लगराने एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार हो गया हलवाई जैसा। हेलो दोस्तों, रंभा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ रसमलाई। रसमलाई खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बच्चों को सबको पसंद आते हैं और घर पे जल्दी बन जाते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए हमको क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है दोस्तों? सबसे पहले हम ले लेंगे 1 लीटर दूध। आप दूध कोई सा भी ले सकते हो और इसको उबलने डाल दूंगी गैस के ऊपर। अब हमारे दूध में उबाल आ रहे हैं, अब गैस को मैं बंद कर दूंगी। दोस्तों हमारे दूध उबल चुका है, आप देख सकते हो। इस करछी के मदद से मैं मिला लूंगी और मैं दूध को गैस से नीचे उतार के स्लेब पर रख लूंगी। और एक कटोरी में 2 चम्मच विनेगर डाल दूंगी, 2-3 चम्मच आप विनेगर डाल दीजिए। आप यहाँ पे नींबू के रस भी ले सकते हैं दूध फाड़ने के लिए। अब मैं चम्मच से इसको मिला लूंगी और दूध में धीरे धीरे इसको डालूंगी, थोड़ा सा एक बार डाल दूंगी। आप इस तरह मिला दीजिए और मैं डाल दूंगी और मिला दीजिए। इसको 10-15 सेकेंड में ही दूध फटना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा दूध फटना मेरा स्टार्ट हो गया। देखिए हमारा दूध फटना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं। आप इस तरह दूध फाड़ लीजिए और पनीर बन जाएगा ये। कुछ सेकेंड के लिए और रख दूंगी इसको, 1-2 मिनट आप इसी तरह रख दीजिए, आपको अच्छा से वो फट के दूध तैयार हो जाएगा। अब आप देख सकते हो हमारा फट गया पनीर। अब मैं एक बड़े बर्तन ले ली हूँ, इस पर मैं एक छन्नी रखूँगी, इसके ऊपर एक कपड़ा रखूँगी। इस तरह आप रख लीजिए और धीरे धीरे ये सारे डाल के मैं छान लूँगी। आप देख सकते हो इस तरह आराम से आप छान लीजिए सारे पनीर को। इसमें खट्टापन निकालने के लिए मैं 2 पानी से धो लूँगी, क्योंकि हमारा रसमलाई खट्टा ना बने इसीलिए मैं धो दूंगी इसको। ये मैं पानी ले ली हूँ, एक बार धो दूंगी फिर दोबारा भी धोऊंगी। अब मैं इसको गांठ बांध के निचोड़ लूंगी सारे पानी। आप देख सकते हैं इस तरह आप गांठ बांध के सारे पानी निचोड़ लीजिए। अब पनीर में से मैं सारे पानी निचोड़ ली हूँ, इसको बांध के 1 घंटे के लिए कहीं लटका के रख दूंगी ताकि सारे पानी हमारे पनीर में से निकल जाए। अब अगले प्रोसेस में मैं एक थाली लूँगी और जो पनीर बांध के रखे थे वो खोल के इसमें डाल दूंगी। आप इस तरह मिला दीजिए। और साथ में मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर ली हूँ। आप कॉर्नफ्लोर पाउडर नहीं हो तो मैदा भी ले सकते हो, क्योंकि हमारे रसमलाई इससे बाइंडिंग अच्छा रहता है और टूटने का चांस बहुत कम रहता है। आप ये सारे मिक्स कर लीजिए और 10 मिनट इसको हाथ से मिलाना है आपको। इस तरह आटा की तरह एकदम सॉफ्ट लगा लीजिए। मैंने इसको 10 मिनट तक अच्छा से मिला ली हूँ, इस तरह आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे एकदम स्मूथ आटा तैयार हो गया है। अब इसको छोटा छोटा गोला लेंगे और रसमलाई के शेप दे दें। आप इस तरह छोटा छोटा गोला बना लीजिए और रसमलाई के शेप दे दीजिए। आप छोटा बड़ा
कैसे भी बना सकते हैं, ज़्यादा बड़ा बनाओगे तो टूट जाएगा। ये देखिए मैंने इस तरह बना ली हूँ, मैं सेम प्रोसेस से सारे बना लूँगी। मैंने सारे बना ली हूँ, आप देख सकते हो सारे हमारा पेड़ा जैसा बन के तैयार हो गया है। अब चलती हूँ मैं नेक्स्ट प्रोसेस में। नेक्स्ट प्रोसेस में मैं एक कढ़ाई रखी हूँ, इसमें मैं चाशनी बना लूँगी। इसमें मैं 1 कप चीनी ले ली हूँ और 3 कप पानी डाल दूँगी। आप जो भी घर के कप कटोरी जो भी सेट करें उसे 1 कप चीनी और 3 कप पानी डाल दो। अब चलाते हुए चाशनी, जब तक चीनी में उबाल ना आए तब तक उबाल लूँगी। आप इसको एक बार चला दीजिए ताकि हमारी चीनी जल्दी घुल जाए और हमारे चाशनी उबलने तक आप इंतज़ार करिए। हमारा चाशनी उबल रहे हैं, आप देख सकते हैं, एकदम बिल्कुल उबाल आने दीजिए। जब हमारा चाशनी खौलने लगे तब मैं इसमें बॉल्स डालूंगी। अब हमारा चाशनी उबल चुका है, अब इसमें मैं बॉल्स डाल रही हूँ, आप देख सकते हो। इस तरह आप सारे बॉल्स डाल दीजिए। अब मैं एक एक करके सारे बॉल डाल दी हूँ, इसको ढक के मैं 10 मिनट उबालूंगी। अब हमारा 10 मिनट हो चुका है, ढक्कन हटा के मैं चेक कर लूँगी। आप देख सकते हो फूले फूले बन रहे हैं हमारे रसमलाई जैसा शेप। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा इधर उधर पलट दूँगी हल्का सा और इसको 1-2 मिनट मैं बिना ढक्कन के भी पका लूँगी। अब मैं फिर से ढक्कन लगा के 2-3 मिनट और उबलने दूंगी। अब मेरा रसमलाई पक चुका है, टोटल समय 15 मिनट लगा पकाने में, आप देख सकते हो। अब मैं गैस फ्लेम बंद कर दी हूँ। अब सारे रसमलाई को जो इसको मैं निकाल लूँगी प्लेट में। प्लेट में मैं बटर पेपर लगा दी हूँ। अब मैं एक एक ये जो बाउल था इसको मैं इस चाशनी में से निकाल लूँगी, छान के थोड़ा रस गार के और प्लेट में रख दूँगी। मैं सारे निकाल चुकी हूँ, आप देख सकते हो हमारा बाउल तैयार हो गया है। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में रबड़ी बनाने के लिए। अब रबड़ी बनाने के लिए मैंने 1/2 लीटर दूध ले ली हूँ और मैं दूध को उबलने दूंगी। अब हमारा दूध उबल रहे हैं, आप देख सकते हो। अब मैं एक करछी की मदद से सारे उस पे मलाई जो है वो साइड करते जाऊंगी, इससे रबड़ी बहुत अच्छा बनेगा। और चलाते हुए पकाऊंगी। आप गैस को मीडियम आंच पर रखिए। अब हमारे दूध में फिर से उबाल आ रहे हैं, फिर से मैं साइड में उस पे जितना मलाई आते जाएगा उस साइड करते जाइए और चलाते जाइए दूध को। आप इस तरह मलाई सेट करते जाइए। इससे रबड़ी बहुत टेस्टी बनेगा।
अब मैं इसमें 4-5 केसर के धागे ले ली थी और उसमें दूध डाल के रख दी थी ताकि हमारे रबड़ी में कलर आ जाए, इसीलिए मैं दूध डाल दी हूँ। आपको केसर नहीं है तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल सकते हो या कलर फूड मार्केट में मिलते हैं फूड कलर, आप वो ले लो, थोड़ा सा डाल दो। आप देख सकते हो हमारा रबड़ी में कलर आ गया है। और चलाते हुए और पका लूँगी। मैं 1 पिंच ऑरेंज कलर डाल दी हूँ, आप येलो कलर भी डाल सकते हो मार्केट में, ये खाने वाले फूड कलर है, इसे रसमलाई और देखने में अच्छा लगता है। और चलाते हुए थोड़ी और पका लूँगी। अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी, ये मैं 2-3 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से मीठा डाल सकते हो। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट कटी हुई, थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा पिस्ता डाल दूँगी और चलाते हुए 1 मिनट और पका लूँगी। अब हमारा रबड़ी आप देख सकते हो गाढ़ी हो गया है पूरा, ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना है, रसमलाई में डुबो के रखना है इसको, इसलिए रबड़ी से थोड़ा हल्का गाढ़ी रखना है। इस तरह आप रसमलाई बनाओगे तो मार्केट से भी अच्छा घर में तैयार हो जाएगा और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, जैसे मैं बताई उस तरह बना के एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब हमारा रसमलाई आप देख सकते हो इस तरह आपको रखना है, न गाढ़ी न ज़्यादा पतला न ज़्यादा गाढ़ी। प्रोसेस में अब मैं सारे रबड़ी को मैं एक बाउल में निकाल ली हूँ। अब इस रबड़ी के अंदर मैं एक एक पीस एक एक बाउल डाल दूंगी, इसमें सारे को डुबो दूंगी। आप इस तरह रबड़ी में डुबो लीजिए। और कम से कम 2 घंटा आप फ्रिज में रखिए इसको, ताकि रसमलाई का रस सब अंदर चला जाए और खाने में बहुत टेस्टी लगे। आप देखिए मैं 2 घंटे के बाद मैं फ्रिज में से आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। अब मैं एक प्लेट में आपको निकाल के दिखा रही हूँ, आप एक एक पीस इस तरह निकाल लीजिए और थोड़ा सा रबड़ी इस पे डाल दूंगी मैं। देखिए दोस्तों हमारा रबड़ी अब रसमलाई तैयार हो गया है। दोस्तों हमारा रसमलाई अब रेडी हो चुका है, आप इस तरह बनाइए, खाइए, दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सके। और जो भी न्यू हमारे चैनल पर आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बहुत सारे वीडियो लेकर आऊँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यह रेसिपी अच्छा लगे तो आप कमेंट करना, साथ में कमेंट करके भी बताना कि हमारा रसमलाई कैसा बना है। धन्यवाद।